स्टूडेंट्स बेटा, आपका जो सितंबर एग्ज़ाम है वो आपको बता दिया गया है कि फ्रॉम 14 सितंबर योर सितंबर एग्ज़ाम्स आर गोइंग टू बी स्टार्ट। सो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेबस है आपका तीन बच्चों ने किया है या नहीं किया, ठीक। तो ओवरऑल जो सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखिए, अगर हम बात करते हैं ओनली माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि आपके इकोनॉमिक्स में दो क्वेश्चन है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है और दूसरा जो है वो है आपका स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स अभी आपका स्टार्ट हुआ ही नहीं है, जो कि आपका दीपक सर करवाएंगे स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन को, और मेरे पास सिर्फ आपका क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही हाफ क्वेश्चन। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है आपका, उसके अंदर कंप्लीट आपकी क्या है 4 यूनिट्स, एंटायर आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर खाली बनती है 4 यूनिट्स अवेलेबल है। तो इन 4 यूनिट्स के अंदर से आपकी जो यूनिट्स हो चुकी हैं ऑलमोस्ट कम्प्लीटेड, फर्स्ट यूनिट आपकी कम्प्लीट हो गई है, सेकेंड यूनिट आपकी कम्प्लीट हो चुकी है, और थर्ड जो यूनिट है वो इन प्रोसेस के अंदर है जो कि आपकी चल रही है। थर्ड यूनिट ही थोड़ी सी क्या है बड़ी है फर्स्ट और सेकेंड के मुकाबले, लेकिन एज पर जो CBSE ने आपका 30% क्या है सिलेबस रिड्यूस किया है, उसके अकॉर्डिंगली और भी ज़्यादा क्या हो गई है रिड्यूस हो गई है, कम, क्योंकि आपकी थर्ड यूनिट के अंदर से कंप्लीट एक ही जो चैप्टर है प्रोड्यूसर बिहेवियर का, इसको क्या कर दिया गया है रिमूव कर दिया गया है। सो अब हमारे पास जो हम थर्ड यूनिट कर रहे हैं, उस थर्ड यूनिट के अंदर फिलहाल हमारा चल रहा है प्रोडक्शन फंक्शन, जो कि हम कर रहे हैं। प्रोडक्शन फंक्शन के बाद में हमारा आ जाएगा कॉस्ट का चैप्टर, जो कि काफी छोटा और शॉर्ट है। सो बेसिकली अब आपके सितंबर एग्जाम के अंदर यूनिट 1 आएगी, जो कि और भी छोटी हो गई है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी किसी करवा दिया था, और ये टॉपिक जो है ये बाद में डिलीट हो गया है। सो आपका फर्स्ट यूनिट काफी छोटी बच गई है आपके पास, सेकेंड यूनिट है एंड द 2 चैप्टर्स ऑफ योर थर्ड यूनिट, थर्ड यूनिट के 2 चैप्टर आएंगे प्रोडक्शन फंक्शन एंड कॉस्ट। उसके बाद में फोर्थ यूनिट के अंदर से भी एक चैप्टर को आधे से ज्यादा डिलीट कर दिया गया है। आपकी जो फोर्थ यूनिट है, फोर्थ यूनिट के अंदर आपके पास 2 चैप्टर, एक तो आपका प्रैक्टिकल बेसिक और दूसरा आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट के अंदर खाली एक ही टॉपिक आपका रखा गया है, जो कि आपका इस कॉस्ट के बाद जो रिवेन्यू चैप्टर होगा, एक रिवेन्यू है और एक क्या है सप्लाई का चैप्टर। सो बेसिकली आपके थर्ड यूनिट के अंदर ये 4 चैप्टर आते हैं, 2 हम अब कर लेंगे, 2 चैप्टर हमारा एक रिवेन्यू का और एक हमारा सप्लाई का बचे। तो जो हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट है फोर्थ यूनिट का चैप्टर है, जो कि छोटा सा एक टॉपिक बचा हुआ है आफ्टर डिलीटिंग द सिलेबस, वो इस रिवेन्यू के चैप्टर के अंदर क्या हो जाता है कवर अप हो जाता है, इसके अंदर आ जाता है। तो बेसिकली अब आपका जो रिमेनिंग सिलेबस है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, दीज आर 3 चैप्टर्स आर ओनली रिवेन्यू, दैट इज योर रिवेन्यू रहेगा, एक आपका सप्लाई रहेगा और एक प्राइस डिटरमिनेशन का एक प्रैक्टिकल चैप्टर है, एक छोटा सा है 2 दिन का चैप्टर है सिर्फ, वो बचता है। आफ्टर ऑल आपका जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या हो जाएगी विदेश। सो आपका सिलेबस चलेगा अब तक 31st ऑफ अगस्त, तब तक ये आ जाएगा प्रोडक्शन फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, टुमारो आई विल स्टार्ट द कॉस्ट एंड रिटर्न विद इन 2 or 3 days द कॉस्ट चैप्टर विल बी कंप्लीट। उसके बाद में फ्रॉम 1st ऑफ सेप्टेम्बर टू द 14th सेप्टेम्बर योर रिवीजन रिव्यू क्लासेस विल बी स्टार्ट, उसमें आपको रिवाइज करवाया जाएगा कि जो भी बच्चों ने जिसने किया या नहीं किया वो मैटर नहीं करता है, ठीक है, लेकिन अब आप लोग उसे क्या है कॉन्टिन्यू कर लीजिए, ताकि आप इसके अंदर आ जाए जिन बच्चों के कुछ डाउट्स रह गए हैं प्रॉब्लम्स रह गए हैं, सो दैट दैट डाउट्स एंड प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व वेरी इजी। सो नाउ कंटिन्यू द चैप्टर प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन द
दिस इज योर चैप्टर और प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर हमने काफ़ी कुछ कर भी लिया है प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी डन कि प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन करने के लिए उसके फैक्टर्स हो चुके हैं हमारे, ठीक है, प्रोडक्शन की डेफिनेशन हो चुकी है, उसके फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, टाइम पीरियड के बारे में हम ऑलरेडी क्या है स्टडी कर चुके हैं, आफ्टर दैट हमने लॉग वेरिएबल प्रोपोर्शन को भी क्या है कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास सिर्फ छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, द रिलेशन बिटवीन टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन, एंड विद दिस द एंटायर चैप्टर ऑफ योर प्रोडक्शन फंक्शन विल बी ओ, ये कंप्लीट हो जाएगा विद द रिलेशन से ही साथ। और कुछ बुक्स के अंदर एक रिटर्न सुपर स्केल आपको मिलेगा, दैट रिटर्न सुपर स्केल इज नॉट इन योर सिलेबस के अंदर है ही नहीं, सो दैट वॉज ऑलरेडी 2-3 years पहले ही उसको रिमूव कर दिया गया था, बट इट इज इन द बुक्स, सो डोंट टेक इट दैट इट विल कम इन योर सिलेबस। सो नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन टीपी एपी एंड एन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन एंड एवरेज प्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक अ शेड्यूल, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कैपिटल, आफ्टर दैट टीपी, NP and AP. Three, four, five, six, seven, eight, and I'm taking it to 9. Now it's your marginal production. So marginal production in India first 2. After that, I'm taking it 3, and after 3, it will be 4, and then it will be 2, it will be 3, it will be 2, 1, 0, minus 1, and minus 1. So, beta, what I am taking here basically, maine marginal production ke andar behavior is cheez ke accordingly. So if I'm talking about marginal production, सबसे पहले आप यहाँ देखिए 2 से लेकर 3-4 पहले marginal production क्या हो रहा है, increase हो रहा है, यानी कि starting में जो हम क्या करते हैं fixed factors के साथ में variable factors के जो unit हैं उन्हें क्या करते हैं increase करते हैं to increase the level of production। तो पहले तो हमारा जो production है per unit marginal production क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्शन बाय द यूज ऑफ वन मोर एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है वन मोर एडिशनल यूनिट। जब हम क्या करते हैं वेरिएबल फैक्टर की एक और अतिरिक्त इकाई का, यानी कि एक और अतिरिक्त इकाई होगी, यहाँ पर वन है वेरिएबल फैक्टर, हमने इंक्रीज करके एक और यूनिट उसमें क्या करती है इंक्रीज कर दी, एंड इट विल बी, हम क्या कर रहे हैं एक और यूनिट को इसके अंदर इंक्रीज कर रहे हैं। सो बाय इंक्रीजिंग वन मोर यूनिट बाय अस, हमारे द्वारा क्या है एक और यूनिट को इंक्रीज करने के बाद क्या हो रहा है हमारे पास, बाय इंक्रीजिंग वन मोर यूनिट, एक और यूनिट को इंक्रीज करने से सबसे पहले, क्योंकि लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन किस चीज के ऊपर ही चलता है, वो मार्जिनल प्रोडक्शन के ऊपर ही चलता है, वो ऑलवेज मार्जिनल प्रोडक्शन को शो करता है कि जब तक हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा इंक्रीज होगा, टोटल प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा फिर ये डिक्रीज होगा, देन इट विल बी जीरो एंड आफ्टर दैट इट विल बी कमिंग टू नेगेटिव। तो जो हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन है पहले इंक्रीज होगा फिर वो डिक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट इट विल बी गोइंग अ नेगेटिव सिचुएशन। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे टोटल प्रोडक्शन की कैलकुलेशन करेंगे, टीपी को निकालेंगे, फर्स्ट यूनिट के ऊपर ही ऑलवेज क्या रहेगा 2 ही रहेगा, आफ्टर दैट 2 प्लस 3
तो तीन का आ जाएगा क्योंकि दो ने तो पांच किया है। तीसरे बंदे ने कितना किया है? फोर यूनिट्स का प्रोडक्शन किया है। तो दो व्यक्तियों के बीच तीसरे का जोड़ कर देंगे तो कुल तीन लोगों का आ जाएगा, यानी टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा बाय द थ्री जो वेरिएबल फैक्टर्स हैं। सो 9 + 3 इट विल बी 12 एंड 12 + 2 14 + 1 दिस विल बी 15 0 इट विल रिमेन 15 14 and this will be go on -2 to be 11. Okay, so 12 is 14 now, take out the 12. Ab humare paas aata hai average production. Average production calculate karte hain hum. Average production is equal to total production divided by units of variable factor की यूनिट से क्या कर देंगे हम, इसको डिवाइड कर देंगे सो दैट हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन आ जाए। सो टू डिवाइडेड बाय 1 इट विल रिमेन 2, 5 बाय 2 इट विल बी 2.5, आफ्टर दैट इट इज 3, इट विल बी 4 एंड इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 2.8, आफ्टर दैट इट विल बी 2.5, 15 को जब 6 से करेंगे आफ्टर दैट 15/7, 2.1, 1.7 एंड 9 को जब हम क्या करेंगे 12 से करेंगे इट विल बी 1.3। सो दिस इज आवर एवरेज प्रोडक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, हमारा जो एवरेज प्रोडक्शन है दैट विल बी कैलकुलेटेड, वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब बात आती है रिलेशन, अगर हम तीनों में अलग अलग करें तो हम अलग अलग भी कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर बैक टू द शेड्यूल के अंदर ही हम कैसे इसका रिलेशन निकालेंगे। पहले आता है फर्स्ट रिलेशन, बेटा टीपी और एमपी के बीच में क्या रिलेशन है, टोटल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट, जब हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, 2 से 3 हो गया 3 से 4, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। आफ्टर दैट एवरेज हमारा मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज पे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। तब हमारे पास अब आप देखिए 12 से 14 से 15, तो इसकी जो बढ़ने की रेट है, इंक्रीज होने की रेट है, किसकी, टोटल प्रोडक्शन की, वो क्या होगी, ये स्लो होगी। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग, यहां पर क्या हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, कम होना शुरू हो गया है मार्जिनल प्रोडक्शन। तो क्या हो रहा है, टोटल जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज, मतलब इंक्रीज हो रहा है बट डिक्रीजिंग रेट से। आफ्टर दैट व्हेन इट इज जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, जीरो, तब टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर है। देखो 15 से ज्यादा एक भी यूनिट नहीं। व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन इज एट जीरो, जब मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, जीरो के ऊपर है, तब टोटल प्रोडक्शन अपने मैक्सिमम पॉइंट के ऊपर। एंड व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन स्टार्ट नेगेटिव हो गया, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो गया है, नेगेटिव में चला गया है, माइनस के अंदर चला गया है, एट दैट टाइम टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्रीजिंग, टोटल प्रोडक्शन क्या है, घटना शुरू हो जाता है, कम शुरू हो जाता। सो बेटा दिस इज द रिलेशन बिटवीन टीपी एंड एफ। एक और रिलेशन बचा, यहां पर टोटल प्रोडक्शन कितना है, यानी लास्ट यूनिट के अंदर इट इज 12, इफ यू एड ऑल दीस यूनिट्स आंसर विल बी 12। हम ये कहते हैं टीपी इज इक्वल टू समेशन, समेशन का मतलब होता है सम ऑफ एम, जितना भी क्या है मार्जिनल प्रोडक्शन है उसका अगर हम सम कर दें, यानी कि ऑल दीस इज गिवन अस द मार्जिनल प्रोडक्शन, हमें दिया गया है, इन सबको आप ऐड कर दीजिए, सबको आप टोटल कर दीजिए, 3 + 2 = 5, 5 + 4 = 9, 9 = 12, 14
14, 150. After that, minus 1, 15 positive में, 14, यानि कि it will be 6. जितना हमारे पास last unit का क्या है, t की आ रहा है, अगर इन सबको add कर दिया जाए, तो both are equal. यानि कि total production and marginal production. Here, both the terms will be same. So this is the relationship between TP and M. And this relation is proved by a schedule. अब ये शब्द schedule से ही इसको किया है. हम curve करेंगे तो curve के अंदर भी as it is ही क्या है इसका जो relation है that will be so see the curve. Here is your origin, x-axis, y-axis. You have to always mention these things. Here we are showing TP, MP and A. Niche kya hai? Units of variable factor. वेरिएबल फैक्टर की क्या है यूनिट्स दैट वाज दिस नाउ हाउ मेनी यूनिट्स आर देयर देयर आर 9 यूनिट्स सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो आई एम गिवन गो सो दे मे बी आर डिस्टेंस लिमिट विल ही होगा बट यू हैव टू पॉइंट विद द स्केल और स्केल से जब आप इसको ड्रॉ करेंगे यू हैव टू टेक अ प्रॉपर गैप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आफ्टर दैट यू हैव टू टेक टीपी सो इट विल बी अप टू 15 सो वी विल ट्राई टू टेक इट एज 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 and this is बहुत ज्यादा क्या है स्ट्रेट वर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है
खड़ा होकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं. आफ्टर दैट देखिए दोनों के बीच में फिर गैप होने लगे हैं. इट इज गोइंग ऑन स्लो एंड आफ्टर दैट यहाँ वो कॉन्स्टेंट हो गया, हाइएस्ट पॉइंट पे आ गए. आफ्टर दैट इट इज स्टार्ट. नाउ वी विल बी डूइंग एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन. वन पर कितना है? टू. इसके बाद टू पे इट्स थ्री. ओके, डार्क दिस लाइन लाइक दिस. Then after that, on 3, it's 4. On 3, it's 4. Now it's where? 3 per 4 hai. 2 pe ye 3 hai. After that, 4 ke upar ye 3 hai. 5 ke upar 2 hai. 6 के ऊपर 1, 7 के ऊपर 0, फिर ये माइनस में चला गया. इस पॉइंट पर भी गोस ऑन एक्सेस से नीचे चले. सो नाउ जॉइन दीज पॉइंट्स. दिस इज मार्जिनल प्रोडक्शन. So now see the relationship or the stages जिसमें इसको बांटा जाता है. When marginal production is increased, marginal production क्या हो रहा है? Third unit तक ही increase हो रहा. COA. So this is the first stage, stage one, which is known as increasing. After that, the second stage when this is zero. जब ये zero and this was at its maximum point, like this. This is the second phase, which is diminishing return. And this is the third stage. That is known as negative return. These are the topics which are related to our Maslow's variable proportion. Maybe पूछा जाता है, what are the three stages? So, beta, these are the three stages: increasing return, diminishing return, and the negative return, which goes on with the marginal production. जो मार्जिनल प्रोडक्शन के साथ चल रही है, जब जब तक मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, टिपी इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. व्हेन मार्जिनल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग टिपने लग गया, टिपी विल इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट. टिपी बढ़ रहा है लेकिन उसकी जो बढ़ने की दर वो घटेगी. व्हेन एमपी इज नेगेटिव, जब एमपी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया है, टोटल प्रोडक्शन स्टार्ट डिक्लाइनिंग घटना शुरू. So these are the relations with explanation. जो stages हैं वो भी आ गई हैं और entire complete topic आपका इस पे कब. यानी कि है एक ही, लेकिन इसी एक चीज को बार बार पूछा जाता है अलग अलग नाम से या half of portion के नाम. After that is relationship between MP and AP. इसी में ही करना है. So I'm not in this English. देखिए, जब तक हमारे